सबसे पहले यहाँ पे मैंने डर्मडो कफ विटामिन सी वाला फेस टोनर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, एंटी मार्क्स वगैरह है उनको भी ये क्लियर करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है स्किन के ऊपर। नाउ आई एम यूजिंग सेलो टेप एज स्टेंसिल्स एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का कंसीलर यूज कर रही हूँ, उसके साथ मैं अपनी आईलिड को प्राइम करूंगी एंड मैंने ऑफ कैमरा ही अपने आईब्रोज को फिल कर लिया था। बात करें ब्लू हेवन के कंसीलर की, सो इट इज़ एन नॉट दैट गुड प्रोडक्ट बट इट्स ओके प्रोडक्ट एंड सेट कर लूँगी लोटस के कॉम्पैक्ट के साथ। बाय द वे इट्स अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज हुडा ब्यूटी एमरल्ड सॉरी सफायर ऑब्सेशन पैलेट एंड आई एम यूजिंग दिस अगेन। बहुत ही अच्छी वाली ये आई शेडो पैलेट है, बट ये कॉपी जो फ्लिपकार्ट से मिलती है वो वाली है, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल वन, बट ये आपको 200 और 250 में मिल जाएगी। बट इट्स वेरी आई वुड से काफ़ी अच्छी है, कॉपी है बट अच्छा है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं कलर्स के साथ, तो बिगिनर हो, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो गो फॉर दैट। एंड हुडा सॉरी स्विस ब्यूटी का यहाँ पर मैंने लिक्विड आई शेडो लिया है और ये बहुत ही अच्छे से क्विकली ड्राई हो जाते हैं और पैची नहीं होते हैं। यहाँ आपकी क्रीज लाइंस हैं आईज़ के ऊपर, तो उसमें भी ये केकअप नहीं होते हैं, क्रैकी नहीं फील करते हैं। स्विस ब्यूटी का ही यहाँ पे मैंने ये मिडनाइट स्पार्कल ये पैलेट लिया है। ये प्रेस्ड ग्लिटर की पैलेट है, कितने ही सारे इसमें आपको शेड्स मिल जाते हैं। अगेन इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था एट 250 और 230 रुपीज़ में एंड जस्ट आपको लेना है और इसको प्रेस कर लेना है, बट मेक श्योर कि प्रेस अच्छे से कीजिए। और ये फ्लैट ब्रश मैंने यूज़ किया है फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड आज मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड लिपस्टिक है फ्रॉम NYBAE। सो इसी लिपस्टिक के साथ मैं अपनी जो विंग ड्रॉ करूँगी रेड आई लाइनर, एक क्रीज लाइन के ऊपर जो मैंने यहाँ पे डबल विंग बनाया है, डबल कट क्रीज इसको बोल सकते हैं, तो इसी के साथ मैंने रेड लिपस्टिक को यूज़ किया है बिकॉज ये स्मज प्रूफ है तो अच्छे से। और ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में ड्राई है एज सच, मैं इसको इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ बिकॉज लिपस्टिक जब ये लिप्स के ऊपर मैं लगा लेती हूँ बहुत ज़्यादा मेरी लिप्स क्रैकी एंड ड्राई फील करते हैं, खिंचे खिंचे से रहते हैं। बट लिक्विड लिपस्टिक्स को हम मल्टी यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे लैक्मे का मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड आईलाइनर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इवन ऑन स्पार्कल्स, बट यू हैव टू बिल्ड अप, एक से दो लेयर आपको लगाना पड़ता है। जब भी आप कोई स्पार्कल या ग्लिटर्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो आईलाइनर अप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो मेगा लेंथ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया है, इसको आउटवर्ड में लगाऊंगी बिकॉज जो फॉलआउट्स हुए हैं उनको क्लीन करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फेस मेकअप एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेट वाइप लेके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो भी ग्लिटर्स या स्पार्कल्स वगैरह होंगे वो हट जाएंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजे फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी फेस की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, बहुत ड्राई स्किन है एंड रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो ट्राई दिस वन। ब्लू हेवन का यहाँ पे फेस प्राइमर लिया है, ये भी सिलिकन बेस एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे से काम करता है
ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा है। ब्लू हेवन का ही फुल कवरेज, यहाँ पे हाई कवरेज फाउंडेशन लिया है जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट था इनका, और इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। इसे आप ब्लेंडर से कभी भी मत ब्लेंड कीजिए, बिकॉज इसकी जो कवरेज आपको मिलती है वो ब्रश के साथ ही मिलती है, और ये मैं पैक का ब्रश यूज कर रही हूँ। कवरेज इसकी अच्छी खासी है, मतलब आप मीडियम टू इसकी लाइट टू मीडियम कवरेज आई वुड से है इसकी, अच्छे से एक ही आप देख सकते हैं, एक बार में ही काफ़ी अच्छे से इसने मेरे फेस को कवर कर दिया है। ब्लू हेवन का ही सेम कंसीलर लेके इसको मैं अपनी अंडर आई एरिया के ऊपर अप्लाई करूँगी फॉर हाईलाइटिंग, एंड सेम कंसीलर ब्रश से ही करूँगी। एंड ब्रिज ऑफ द नोज, सेंटर ऑफ द फोरहेड, क्यूपिड बो, इसके साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छे से एक हाईलाइटिंग फोकस मिलता है फेस को, जब भी पिक्स वगैरह लेनी होती है तो अच्छा लगता है लाइटनिंग में। और ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, बट मेक श्योर ज़्यादा टाइम के लिए मत छोड़े वरना ड्राई हो जाता है। और एल ए प्रो का यहाँ पे मैंने कॉन्टोर पैलेट लिया है, जिसमें से ये कॉन्टोरिंग शेड लेके अपनी फेस को चिजल लुक देने के लिए वेट एंड वाइल्ड के ब्रश के साथ अपनी चीक बोन्स के ऊपर इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। नोज को भी कॉन्टोर करूँगी, एंड यू जे ब्लू हेवन का जो ये फाउंडेशन है वो आप अगर एसी वगैरह में रह रहे हैं, बिकॉज अभी गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। एंड वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे मैंने हाईलाइटर लिया है, ये आपको ब्लश एंड हाईलाइटर दोनों का ही काम कर देता है और काफ़ी सटल सा ग्लो आता है, बहुत ही अच्छा। अब मैं एन वाई बे की वही सेम लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आईलाइनर के लिए लगाया था। सो कैसी लगी कि आपको लुक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।